आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात की गई थी। इसी क्रम में भाजपा मधुपुर नगर कमेटी के द्वारा शेखपुरा स्थित प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री राज पलिवार के निजी आवास पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सचिन रवानी और जिला मंत्री पप्पू यादव उपस्थित हुए। इस शिविर की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष गोपी बर्मन ने की। सर्वप्रथम सभी मुख्य अतिथियों को मंच पर बुलाया गया, उसके पश्चात सभी ने महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उसके बाद सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम गीत गाया। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा नेता प्रमोद विद्यार्थी ने कार्यक्रम के विषय वस्तु को सभी कार्यकर्ताओं के बीच रखा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को उनके लक्ष्य क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, पार्टी के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है, इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताया। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जिसके पुराने प्रमंडल के हिस्से थे, जो पुराना जिला था दुमका, संथाल के वीर सपूतों ने, सिद्धो कान्हो चांद भैरव फुलझनों ने 1857 से पहले भी यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक वैसे समय में 1925 में विजयादशमी के दिन, जो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही एक तरह से सदस्य कहे जाते थे भी डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, उन्होंने सोचा कि देश तो एक आंदोलन के बाद, एक समय के बाद आजाद हो जाएगा, लेकिन क्या आजादी हमारी सुरक्षित रहेगी? तो आजादी कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि आज तक का यह जो हम आखिर में गुलाम हुए क्यों,